हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं माइक्रो टीचिंग, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग क्या है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, साथ ही हम लोग माइक्रो टीचिंग्स के लिमिटेशंस और एडवांटेजेस भी पढ़ेंगे इस वीडियो में। डेफिनेशंस भी बहुत सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। माइक्रो टीचिंग क्या होती है? देखिए, जो डॉक्टर्स होते हैं या तो जो भी अदर प्रोफेशंस के लोग होते हैं, इंजीनियर हो गए, जो भी हो गया, उनको क्या की जाती है कि पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। अदरवाइज अगर एक डॉक्टर है, अगर उसको सिजेरियन करना है, ठीक है, तो उसकी अगर ट्रेनिंग नहीं हुई है तो वो किस तरीके से उसको कर पाएगा, किस तरीके से जो सर्जरी कर पाएगा। उसी तरीके से जो टीचर्स होते हैं, जो टीचर ट्रेनिंग होती है, उसको एक तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग क्या होता है? माइक्रो टीचिंग उनको बताया जाता है कि सभी तरीके के जो स्किल्स यूज़ होते हैं, एक्सप्लेनेशन स्किल्स, ब्लैकबोर्ड स्किल्स, जितने भी सारे जो स्किल्स होते हैं, वो किस तरीके से यूज़ करना है व्हाइल टीचिंग। तो एक तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है माइक्रो टीचिंग में। माइक्रो टीचिंग को हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण, जहाँ पे सभी जो शिक्षण को होते छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया जाता है और उसके आधार पर टीचर को जज किया जाता है, स्कोर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो टीचर्स होती हैं वहाँ पे सभी जो टीचर पीयर जो ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, टीचर्स को इवैल्यूएट करते हैं। जहाँ पे अगर टीचर गलती करती है वहाँ पे उसे बताया जाता है कि यहाँ पे तुमने गलती किया है और उसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है माइक्रो टीचिंग। जो भी बीएड कर रहे हैं उन्हें पता ही होगा कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, जो माइक्रो टीचिंग के डेफिनेशंस क्या है। फर्स्ट देखिए, यहाँ पे एलन क्या कहते हैं, 1966 में डेफिनेशन उन्होंने लिया था कि माइक्रो टीचिंग स्केल्ड डाउन टीचिंग प्रोसेस है, या तो स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर है जो क्लास में होता है टाइम के अकॉर्डिंग। यानी कि जो सूक्ष्म शिक्षण है वो समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू एलन एंड ईव 1968 में ये डेफिनेशन दी गई थी। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो माइक्रो टीचिंग है ये एक कंट्रोल्ड प्रैक्टिस है, एक नियंत्रित प्रैक्टिस है, जहाँ पे टीचर के बिहेवियर्स के जो प्रैक्टिस होती है वो कई सारे जो कंडीशंस के अंदर कंट्रोल की जाती है। यानी एलन एंड ईव क्या कहते हैं कि यह नियंत्रित अभ्यास की एक विधि है जो विशिष्ट शिक्षण व्यवहार पर ध्यान केंद्रक को आसान बनाती है। ठीक है, तथा नियंत्रित परिस्थितियों में शिक्षण अभ्यास को संभव बनाती है। चलिए आगे देखते हैं, बीके पासी के अनुसार क्या है कि माइक्रो टीचिंग एक तरीके की जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग टेक्निक है, जहाँ पे जिसमें विच रिक्वायर स्टूडेंट्स टीचर टू टीच अ सिंगल कॉन्सेप्ट, जहाँ पे जो टीचर ट्रेनिंग होती है उसको एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है पढ़ाने के लिए, और जिसमें सारे जो टीचिंग स्किल्स हैं, जैसे हमने पढ़ा एक्सप्लेनेशन स्किल्स, इंट्रोडक्शन स्किल्स, जितने भी स्किल्स हैं वो सारे स्किल्स को यूज़ करके छोटे से टाइम ड्यूरेशन टाइम, जैसे 10-15 मिनट के लिए टीचर को टाइम दिया जाता है और उनको पढ़ाना होता है कोई पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्लिफ्ट के अकॉर्डिंग, एलसे सिंह के अकॉर्डिंग आप लोग इसका डेफिनेशन देख सकते हैं। बहुत सारे डेफिनेशन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही एम सी एलिस और यू अनविन के अनुसार 1970 में जो डेफिनेशन दी गई थी। आप ये सारे जो डेफिनेशन हैं इसमें से कोई भी डेफिनेशन, केवल 2-3 डेफिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, अच्छा इसका हम देखते हैं अब फीचर्स क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट है कि स्केल्ड डाउन। स्केल्ड डाउन यानी जो माइक्रो टीचिंग है, जो सूक्ष्म शिक्षण है, ये क्या है, स्केल्ड डाउन ट्रेनिंग टेक्निक है। ठीक है, जहाँ पे टाइम और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कंटेंट और जो जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है उसको डिसाइड किया जाता है। जैसे कि जो टीचर ट्रेनिंग है उसको क्या किया जाता है कि 15 मिनट दे दिया जाता है, उसमें जो जितने सारे जो स्किल्स हैं, जो हमने पढ़ा है कि स्किल्स, इतना स्किल्स, इतने टाइम, इतना स्किल्स, इतने टाइम, मतलब इसको एक पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, पूरा होल टीचिंग, माइक्रो टीचिंग को पूरा होल जो टीचिंग बच्चों को पढ़ाना होता है, टीचर्स को पढ़ाना होता है, क्या किया जाता है कि 5 मिनट का इंट्रोडक्शन, 5 मिनट का ये अपना एक्सप्लेनेशन स्किल, उस तरीके से जो है सारा टाइम सेट किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ, यहाँ पर देखिए, फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्किल्स।
ठीक है, तो इसका मेन एम क्या होता है टीचिंग का, माइक्रो टीचिंग का, कि टीचिंग स्किल्स को डेवलप करना, ठीक है। द स्किल्स आर टेकन वन बाय वन, और जो स्किल्स होते हैं वो एक के बाद एक यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले कौन सा स्किल यूज़ किया जाता है, इंट्रोडक्शन स्किल यूज़ किया जाता है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन स्किल यूज़ किया जाता है। इस तरीके से जो है एक के बाद एक सारे जो स्टेप्स वो यूज़ किए जाते हैं। आगे देखते हैं इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग डिवाइस, यानी यहाँ पर एक एक करके सबको मौका मिलता है कि लोगों के सामने जाके लोगों को सामने अपना जो टॉपिक है उसको प्रेजेंट करने का सबको एक मौका मिलता है। फीडबैक बेस्ड, यहाँ पे फीडबैक मिलता है, जो टीचर ट्रेनी जो पढ़ा रही है अगर वो कुछ गलती करती है तो बाकी जो पीयर्स हैं वो बताते हैं कि कौन कौन से गलती किया, क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे देखते हैं ट्रेनिंग टेक्निक, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि टीचर ट्रेनी को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि टीचर ट्रेनी को टीचर बनने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, किस तरीके से बच्चों को फ्यूचर में पढ़ाना होगा उसके लिए पूरा स्किल, टीचर को पूरा स्किल सिखाया जाता है ताकि टीचर ट्रेंड हो सके। डिवाइस फॉर प्रिपेयरिंग टीचर्स, तो जो माइक्रो टीचिंग है एक तरीके का जो डिवाइस है जिससे कि टीचर को अफेक्टिव एक टीचर बनाया जाता है, जो कि जिससे कि जो टीचर है वो अच्छे तरीके से अफेक्टिवली बच्चों को आगे फ्यूचर में पढ़ा सके। यहाँ पे देखिए सिलेक्शन ऑफ वन स्किल, तो जो माइक्रो टीचिंग प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू सिलेक्ट वन स्किल एट अ टाइम, यानी कि एक टाइम पे एक ही स्किल यूज़ किया जाना है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन स्किल और हम जो हमारा एप्लीकेशन एंड इवेल्यूएशन जो लास्ट में जो भी स्किल्स आते हैं वो हम एक साथ नहीं कर सकते, सबका एक एक पर्टिकुलर टाइम है और उस टाइम के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं तो आगे है कि जो माइक्रो टीचिंग है ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंट होता है एजुकेशन में, ठीक है। तो वहाँ पे हम नए नए चीज़ें सीखते हैं, सीखने को मिलते हैं टीचर ट्रेनी को, और क्या क्या आगे एडवांसमेंट आ सकती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उसके लिए एक तरीके से ये हम एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसको देख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है ये, अच्छा लिमिटेशंस है माइक्रो टीचिंग की। तो फर्स्ट लिमिटेशन तो है कि कॉस्टली अफेयर, थोड़ा सा इसमें ये कॉस्टली है क्योंकि यहाँ पे सीसीटीवी वीडियो कैमरास कंप्यूटर एलसीडी प्रोजेक्टर्स की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि बाद में फीडबैक दिया जा सके, ठीक है। तो उसके लिए ये सभी चीज़ का रिकॉर्ड किया जाता है तो उसके लिए थोड़ा सा कॉस्टली ये कहलाता है। आगे देखते हैं टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, तो यहाँ पे क्या सबको सभी जो टीचर ट्रेनिंग उसको एक एक करके जाना होता है, इस तरीके से क्या होता है कि पूरा टाइम इसमें कंज्यूम हो जाता है, टाइम एनर्जी सब इसमें कंज्यूम हो जाता है। अब यहाँ पे है डू नॉट फिट टू टाइम टेबल, तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इसको फिट नहीं किया जा सकता क्योंकि बीएड में जितने भी है बहुत ज़्यादा इसमें जो स्किल्स है वो ओवरलोडेड होता है, तो टीचर को एक बहुत कभी दिक्कत भी हो सकती है कि वो सारे जो स्किल्स हैं उसको एक ही मतलब एक 45 मिनट के अंदर ही सारे स्किल्स को यूज़ करें और अपना एक टॉपिक अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकें। डिफ़िकल्टी इन इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए माइक्रो टीचिंग कॉन्सेंट्रेट ऑन, मतलब जो माइक्रो टीचिंग है वो एक सिंगल सिंगल जो है स्किल पे कॉन्सेंट्रेट करता है, बट एक्चुअल टीचिंग इज इंटीग्रेशन ऑफ मेनी स्किल्स एंड मोर ओवर एक्चुअल टीचिंग, डू नॉट यूज दिस स्किल इन प्रीडिफाइंड सीक्वेंस। द टीचर हैज़ टू डिसाइड ऑन स्पॉट वाइल टीचिंग द स्टूडेंट, टीचर फेस डिफिकल्टी इन इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्स, यानी कि जो सभी जो स्किल्स हैं उसको यूज़ करते समय भी टीचर्स को डिफ़िकल्टी हो सकती है क्योंकि सर टीचर को क्या है कि सभी एक्सप्लेनेशन स्किल्स यूज़ करने हैं, तो टीचर को ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि जो जितनी भी स्किल्स हैं उसको मतलब यूज़ करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। चलिए अब आगे देखते हैं नैरो स्कोप, तो यहाँ पे देखिए द करिकुलम ऑफ बी एड एंड माइक्रो टीचिंग कनेक्ट्स ऑन फ्यू स्किल्स ओनली, जो करिकुलम होता है बी एड का और माइक्रो टीचिंग का वो केवल कुछ ही स्किल्स में कनेक्ट होता है, किसी स्कूल स्किल्स पे अप्लाई हो सकता है, लेकिन जो रियल टीचिंग में बहुत सारे स्किल्स यूज़ करना पड़ता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो स्कोप है वो नैरो है, दायरा जो है कम है। लेस इंपॉर्टेंस टू इंटीग्रेशन, लेस इंपॉर्टेंस दिया गया है जो स्किल्स है और मतलब प्रैक्टिस में, ठीक है, बट द टीचर यूज द स्किल इन इंटीग्रेटेड फॉर्म एंड इन अनडिफाइंड सीक्वेंस, ठीक है, तो इंटीग्रेशन को भी इसमें बहुत कम इंपॉर्टेंस दी गई है।
चलिए आगे देखते हैं, एडवांटेजेस देख लेते हैं। जिसको हमें पहले करना चाहिए था हम उसको बाद में कर रहे हैं, पर फिर भी हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। इससे क्या होता है, यहाँ पे देखिए कि इम्प्रूवमेंट होती है टीचिंग स्किल्स में। टीचर जो पढ़ा रही है उसमें क्या है, टीचर को एक तरीके से मास्टरी हासिल हो जाती है। टीचर को पता है कि किस तरीके से अपने जो टीचिंग है उसको इफेक्टिव बनाना है। अगर टीचर को ट्रेनिंग मिल जाती है माइक्रो टीचिंग किस तरीके से करना है, किस तरीके से सारे स्किल्स यूज़ करना है, तो टीचर क्या होता है, टीचर को पता रहता है कि हमें जो टॉपिक है अपना बच्चों की तरफ किस तरीके से रखना है और टीचिंग को है किस तरीके से इफेक्टिव बनाना है। नॉलेज ऑफ टीचिंग स्किल, तो माइक्रो टीचिंग में कई सारे जो स्किल्स होते हैं जो कि टीचर ट्रेनर को बताया जाता है, सिखाया जाता है, प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। इससे क्या होता है कि टीचर जो ट्रेनी होती है उसको समझ में आ जाता है, उसको पता चल जाता है कि कौन कौन से स्किल्स को कौन कब कौन कौन से टाइम पे यूज़ करना है। तो उस तरीके से क्या होता है कि टीचर को भी एक तरीके से ज्ञान मिल जाता है इस मामले में, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, यूजफुल इन प्रिजर्व एंड इन सर्विस। तो जब माइक्रो टीचिंग इज़ यूज़फुल फॉर वर्ल्ड वुड बी टीचर्स एंड इन सर्विस टीचर्स, यानी जो माइक्रो टीचिंग है वो जो फ्यूचर टीचर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। इससे क्या होता है, बेस मिल जाता है उन लोगों को, ठीक है। और जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं जो बाद में आ सकती है फ्यूचर में टीचर में अगर पढ़ाने जा रही स्टूडेंट्स को, तो टीचर को कई सारे जो मुश्किल हैं वो उसको फेस करना पड़ता है। तो जो यहाँ पे जो टीचिंग ट्रेनिंग दी जाती है तो उसमें एक तरीके से टीचर को वो सारे जो प्रॉब्लम्स हैं जो फ्यूचर में आ सकती हैं उससे टैकल करने में हेल्प मिल सकती है। आगे देखते हैं, यूज विथ कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे क्या है, माइक्रो टीचिंग इज फ्लेक्सिबल। तो जो माइक्रो टीचिंग होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। एंड इट कैन बी कंबाइंड विथ सिमुलेटेड टीचिंग टू ट्रेन द स्टूडेंट टीचर इन सिमुलेशन। दिस मोड इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर स्कूल स्टूडेंट एंड देयर इज नो लॉस ऑफ द टाइम एंड स्टूडेंट इन सिमुलेशन। तो कॉम्बिनेशन यानी कि देखिए क्या होता है कि जो माइक्रो टीचिंग होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। जो दिक्कतें बाद में आती है उसको उसमें बाद में कवर अप किया जा सकता है साथ ही साथ, ठीक है। ये रिजिड नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो उससे क्या होता है कि टीचर जो है उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है वहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग, यानी कि यहाँ पर सभी जो टीचर ट्रेनिंग होती है सबको एक एक करके मौका मिलता है कि वो अपना जो है बच्चों को मतलब टीचर ट्रेनिंग के सामने ही वो लोग अपना जो टीचिंग देते हैं, टीचिंग प्रोसेस जो होती है उससे क्या होता है कि बच्चे लोग को ट्रेनिंग मिलती है, टीचर ट्रेनिंग को ट्रेनिंग मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिविजुअलाइज्ड हर एक टीचर ट्रेनिंग को मौका मिलता है कि वो अपना जो है टीचिंग कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी इन फीडबैक मैकेनिज्म। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है और फीडबैक दे तुरंत फीडबैक मिलता है। अगर टीचर कुछ गलती करती है, कहीं इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो बाकी के लोग उसे मतलब फीडबैक देते हैं। तो वहाँ पे टीचर क्या कर सकती है, अपने आप को इम्प्रूव कर सकती है। समझ में आ जाता है टीचर को कि मुझे यहाँ पे गलती है तो मुझे ये चीज़ दोबारा नहीं करनी है, या तो यहाँ पे मुझे इम्प्रूव करना है। और कॉन्सेंट्रेट ऑन मास्टरी, यानी इस तरीके से जो टीचर्स होती है वो सारे स्किल्स जो होती है यूज़ करती है, तो उसे एक तरीके से मास्टरी मतलब एक्सपीरियंस्ड हो जाती है टीचर टीचिंग में, ठीक है। तो ये था मेरा वीडियो आज का, जहाँ पे हमने क्या पढ़ा माइक्रो टीचिंग के बारे में, कि माइक्रो टीचिंग क्या है, उसके डेफिनेशंस देखे हमने, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर पेज रिलेटेड टॉपिक। टिल देन, बाय, टेक केयर।